ओके सो हाय गाइस, वस्सो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नए वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। जैसे गाइस आपने देखा होगा मैंने आपको बताया, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो आप लोगों को अगर ना आप लोगों को वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लेना या फिर आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों जगह आपको बैकग्राउंड पेजेस दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड आप लोगों को जो है वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको एकदम सेम टू सेम देखना है एंड पहले उसके बाद समझना है, फिर जाके एडिटिंग करने जाना है। ठीक है, पहले आपको देख के समझ लेना है एंड देन उसके बाद एडिटिंग करना है। अब गाइस देखिए वीडियो को लाइक कर देना, आपके ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मॉडल को देख लो, आप लोगों को जो इस टाइप से फोटो क्लिक करवा लेना अपना। ठीक है, आप लोग यहाँ मॉडल को देख लो ध्यान से एंड बाकी जो आप लोग उसका बैकग्राउंड रिमूव करके रख लेना पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से बैकग्राउंड रिमूव करके रख रखा है और जो मतलब जिनको नहीं आता है उन लोगों के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। तो आप लोग जो है मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं एडिटिंग के ऊपर, तो गाइस ये है हमारा बैकग्राउंड जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। तो आप लोगों को सिंपली जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को एंड यहाँ पे मैं मॉडल को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड मॉडल को ऐड कर लेने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो है हाइट वगैरह जो है उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब कि एक अंदाज़ा लगा लेना गाइस कि मतलब कि लड़कियों की जो हाइट है ज़्यादातर जो है छोटी होती है लड़कों से, तो आप लोग उसके हिसाब से जो अपनी हाइट रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतनी हाइट रख लेता हूँ। बाकी उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करके चेक करेंगे कि परफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है पीछे से। तो बाकी इरेजर टूल में जाएंगे, यहाँ पे हम इरेजर लेंगे, हार्डनेस फुल कर देंगे एंड इसको जो है पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इरेज कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, एंड नीचे से भी थोड़ा एक्स्ट्रा इरेज कर लेंगे क्योंकि कैसे क्या है कि इरेज करने के बाद जो है फील करने में थोड़ा मतलब आसानी हो जाएगी हमारे लिए इसलिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे जूम करेंगे एंड जहाँ जहाँ पे हमें फील करना है वहाँ पर पेंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं गाइस ये सब चीज़ें जो है हम मतलब थोड़ा आराम से करेंगे। ठीक है, और टाइम दे के करेंगे और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है क्योंकि हमें जो है फोटो रियलिस्टिक दिखानी है तो इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी करना है ऐसे ही। और गाइस जब तक मैं ये कर रहा हूँ गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि यार हमारा जो चैनल है काफ़ी टाइम से बहुत ही मतलब कि डाउन चल रहा है। तो गाइस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे टाइमों पर गाइस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होता है कि मतलब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बना रहा हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट भी तो चाहिए ना गाइस। तो आप लोग जो है मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही मतलब कि जो चैनल हमारा पहले जैसे रीच कर रहा था वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल रीच नहीं कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा अपना सपोर्ट दिखा दो और थोड़ा शेयर वेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी हमने इसको गाइस यहाँ पे कर लिया, तो अब देखिए गाइस यहाँ पे इसके बाद आपको करना क्या है। अब गाइस देखिए यहाँ पे भी आपको अपनी फोटो को डन नहीं करना है क्योंकि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फोटो की एडजस्टमेंट जो बहुत ही बेकार है। तो हम एडजस्ट में जाएंगे, पहले इसका सैचुरेशन बढ़ा देंगे ताकि जो है मतलब जो ये जो दूसरा मॉडल है उसके तरह जो है हमारा फेस हो जाए। ठीक है, ताकि तभी रियलिस्टिक लुक आएगा। फिर यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को जो है इसको बढ़ा देंगे ऊपर की साइड में एंड ब्राइटनेस लेंगे, ब्राइटनेस को जो हम थोड़ा सा कम कर देंगे। इतना हो जाने के बाद गाइस फिर क्या करेंगे, वैसे हम कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे और जो कॉन्ट्रास्ट को ही कम कर देंगे, फिर हाईलाइट्स को जो है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेंगे एंड इतना हो जाने के बाद हम जो है मतलब यहाँ पे अपनी फोटो को परफेक्टली डन कर सकते हैं अभी गाइस। ठीक है, तो अभी हमने इतना कर दिया। अब गाइस देखिए दूसरे मॉडल का भी जो है फेस टोन सेम करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो है मतलब कि पहले हम टूल्स में चलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद जो है हम ऑरेंज कलर लेंगे इसका जो सॉरी ऑरेंज कलर बोल देगा इसमें सेचुरेशन लेंगे एंड ऐसे हम इसको बढ़ा देंगे एंड बाकी रिजल्ट में जाके इन्वर्ट कर देंगे। ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद सिर्फ हम दूसरे मॉडल जो गर्ल है उसके ऊपर हम पेंट करेंगे गाइस। ठीक है, एंड गाइस अभी जो आप लोगों को फोटो को देख कैसा लग रहा होगा यार, फोटो तो काफ़ी ऑरेंज ऑरेंज सी लग रही है, तो इसका फेस टोन हम कैसे मतलब कि मैच हो करेंगे। तो अभी जो है गाइस हम लाइट रूम ऐप में जो इसको एकदम बिल्कुल मैनेज कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो अभी इसको जितना ऑरेंज हो रहा है होने दो, तो बाकी भी हम इसको सेव करके लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब गाइस देखिए यहाँ पे लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको अपनी फोटो को पहले से ऐड करके रख लेना है गाइस। ठीक है, एंड आप सभी को जाना फिर लाइट वाला ऑप्शन में, यहाँ पे आप लोगों को जो है कॉन्ट्रास्ट को हमें पहले बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो है यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेना है एंड जो है वहाँ पे शेडोज़ को भी इंक्रीज कर लेना है, ब्लैक को कम कर देना है एंड वाइट को बढ़ा देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको फिर कलर्स में जाना है, कलर्स में जाने के बाद वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड इसके बाद मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर लेना है, पहले सैचुरेशन कम करना है इसमें। ठीक है, एंड जो ल्यूमिनस है बढ़ा देना है एंड गाइस आप देख सकते हैं हमारा फेस जो एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुका है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको ब्लू कलर लेना है, ब्लू कलर गाइस मेरे को फोटो में बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो मैं भी बिल्कुल माइनस कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम रेड कलर लेंगे, रेड कलर लेने के बाद उसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे हम एंड इसका ह्यू जो है इसको हम पिंक टोन की तरफ कर देंगे। अब डन करते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं इफेक्ट वाला ऑप्शन में, यहाँ पे पहले फोटो की क्लियरिटी बढ़ाएंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे एंड इसके बाद जो फीदर हम इसको 100% प्लस कर देंगे, नीचे वाले टोन में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।